अब देखो कैसी है, देखो व्लॉग डालने को मना कर रही है। बताऊंगी बेटा तुझे। वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी ब्यूटी, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो टुडे बिकॉज मुझे रैंडमली मेरे दिमाग में आया चलो व्लॉग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से यार मैं एक्टिव नहीं थी यूट्यूब में, बिकॉज फॉर माई पर्सनल कंडीशंस, एंड इसलिए मैं एक्टिव नहीं थी यूट्यूब में। इंस्टा पे भी मैंने काफ़ी टाइम से ना स्टोरी कुछ ज़्यादा पोस्ट कर रही थी ना, मैंने पोस्ट तो काफ़ी टाइम से नहीं डाली, एंड यूट्यूब में भी मैं बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हूँ। सो मैंने आज सोचा चलो ठीक है, आज थोड़ा सा ना हम मैं और मेरी फ्रेंड, जो आपने शायद देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में, वो हम दोनों थोड़ा सा चिल करने जा रहे हैं बाहर, एंड थोड़ा सा हम शॉपिंग भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का डे बिल्कुल ठीक है व्लॉग करने में। ओ माय गॉड, वेदर इज सो अमेजिंग, कोल्ड कोल्ड विंड्स आर ब्लोइंग, ये तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है जो मेरे को तो बहुत पसंद आ रही हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है दिल्ली में, लिटरली इतनी गर्मी है इंसान पागल हो जाएगा। मैं तो मतलब इतनी गर्मी हो रही है ना पसीने से, मतलब अभी भी देखो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है फिर भी मेरे को नाक और यहाँ पे पसीना आ रहा है, आई डोंट नो वाई। ओके, बट फिर भी बहुत अच्छी बात है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अभी धूप भी नहीं निकली, और काश जब हम जाएंगे घूमने तब भी ऐसा ही मौसम रहे, ऐसा मौसम रहेगा तो ओ माय गॉड, भगवान भी मेहरबान हो जाएगा। ठीक है, तो हम ना ज़्यादा डिले ना करते हुए अभी नाउ आई एम गोइंग टू माई स्मार्ट क्लासेस। सो अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अभी नीचे जाकर ब्रश करूँगी, देन आई विल गो टू माई स्मार्ट क्लासेस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आई एम रेडी। एक्चुअली मैं वहाँ से आके मैंने थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी से मैं बस रेडी हो गई, एंड देन जितना भी थोड़ा बहुत काम था वो निपटा पाई। उस टाइम में मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि दिमाग से ही निकल गया, मैं व्लॉग कर रही थी क्योंकि इतना सारा काम था ना, बस एक घंटे का काम था मैंने निपटा के, फिर मैं तैयार होकर अब निकल गई। ये मैं उस दिन सरोजनी से ही लाई थी। सो अभी हम चल रहे हैं अपनी फ्रेंड के पास, एंड देन हम वहाँ से निकलेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। ओके, सो आई एम हियर, मैं अपने फ्रेंड के घर के पास आ चुकी हूँ, अब मैं वहीं उसी के घर के पास जा रही हूँ, बट मुझे वो दिख नहीं रही कहाँ है, अभी आ जाएगी फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, आने वाली है शायद, जैसी वो आती है मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। कहाँ गई, वैसे इतनी गर्मी मतलब पूछो मत, इतनी गर्मी, ओ माय गॉड, गर्मी से हाल बुरा हो गया। मैं वहाँ से यहाँ तक आने में मेरे को पूरा पसीना पसीना हो गया, एक तो मास्क को अभी बिल्कुल नहीं उतारना, उसके चक्कर में अंदर भी बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब सर में दर्द सा होने लग गया बिल्कुल ही अब। ओके, चलो आने दो उसको तब तक। डोंट वरी, इसको आपको पता है, इसको ना मेट्रो की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, इसे मैं ले जाती हूँ, अगर ये किसी दिन मेरे साथ नहीं गई नहीं खो जाएगी, सही बता। अच्छा, कह रही गलत बात नहीं। अच्छा अच्छा, हमारी शालू इतनी अच्छी है, मतलब ये मेरी बिल्कुल इतनी अच्छी दोस्त है ना, इसके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है, कुछ गलत तो बोल ही नहीं सकती। शर्त लगाई थी बट मैंने बोले चल रहने दे यार। क्या शर्त, कोई नहीं, शर्त में हारी तो क्या हो गया, है ना। हम गलत रास्ते पे नहीं आए हैं यार, हम खो गए शालू। मेट्रो आ रही है, दिस इज आई थिंक लेडीज एरिया, हाँ यही है, आ रही है। जा रही है तू रिंग लाइट लेने? क्या देख देख, कौन सी है, गलत में तो जल्दी यही जा रही है ना, नहीं और उन्होंने बनाया होगा, हुडा सिटी यही जा रही है, मैं भी देखना ऊपर देख, यही जा रही है यार, टेंशन मत ले, तेरे को मैं सरप्राइज देती हूँ। शालू, ₹100 का शर्त याद है ना आपको? अच्छा, चीटिंग मतलब भरे पब्लिक के सामने तो चीटिंग कर रहे हो, भरे पब्लिक के सामने डालूंगी मैं, सब देखो कैसी है, देखो व्लॉग डालने को मना कर रही है। बताऊंगी बेटा तुझे। शालू का पोपट बन गया, तू बहुत सही लग रही है, तू हमेशा मेकअप, मेकअप का है, तो मैंने भी तो सब आलाने लगाया, मैंने मेरा भी तो कहा है मेकअप, बोल रही है जो, देख रहे हो ना, शॉपिंग वाले ही तो हैं, उन्हें हमें कहीं मिलेंगे।
150 रुपए वाली सेल, समय पर बांट ली। यह पता नहीं क्यों मेरे को मेट्रो में ट्रैवल करने थोड़ा सा ना सही लगता है, बिकॉज एसी वगैरह सब फिट होता है। का मैंने तो जुड़ गया, कितना ज्यादा? हाँ, 400 रुपए भाई हमारे लिए। 400 रुपए मैं अपने संत नगर तक के मेरे कितने में जाता है? मतलब 149 ना, 150 मान ले, सही है ना? हाँ। दिवाली के टाइम जाएंगे पर तब तो बढ़ा दिया, क्या पता। 400 रुपए भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है यार। ये पीने का पानी है भरने के लिए, मैं भी शायद शीशे लग रहा मुझे तो साइड से पूरा दिख रहा है ना। हाँ, ये हम तो जा रहे हैं, आप भी चलोगे घूमने हमारे साथ? चलो, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बोले घर को कितना टाइम हो गया कि वहाँ पे आए होंगे, वो हमें भी मिल जाएगा हमको सेल्फी। मैं तो ना लूँ तो लेगी सोनिया घर। हाँ, अच्छी है वो। मैं किसी भी यूट्यूबर के साथ सेल्फी नहीं लूंगी, लेगी तो कोई बोलते ना। तो आई एम ऑल्सो यूट्यूबर, तो तू मेरे साथ ही सेल्फी नहीं लगी? तेरी बात अलग है। हाँ बेटे, मेरी बात अलग है। तो ये सब डालेगी क्या? हाँ सब डालूंगी मैं, तो चुप हो जा चल। कल को अगर मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, सब आके मेरे को रिपोर्ट करेंगे। क्यों रिपोर्ट करेंगे? ऐसे मैं कुछ बढ़ा दूँ, मेरे कंटेंट पे रिपोर्ट करेंगे। हाँ जी, मेरा घंटा रिपोर्ट करेंगे। मैं यूट्यूब की बेइज्जती कर रही हूँ? अब ऐसा कुछ नहीं होता, यूट्यूब की बेइज्जती करी तो क्या हुआ, लोगों का कंटेंट पसंद आना चाहिए। शालू बनाएगी यूट्यूब, जैसे कैमरे के सामने मेरी थूत बुरी लग रही है, मेरी थूत बुरी लग रही है। थूत क्या होता है? मुँह। थूत थूत कहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं थूत। हम मुँह थोबड़ा थोबड़ा थोबड़ा। टेंशन मत लो आप, आपको हम कुछ होने नहीं देंगे, हम अभी जिंदा हैं डियर। क्या बोल रही है? नो ओवर एक्टिंग। हम ओवर एक्टर है ही नहीं, हम तो एक्टर हैं। पीली रेखा से ये बस यार, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो मैं थक गई। कैसे लग रहा है मोमोज खाने में? खाए तो नहीं, एक भी खाए बोलने के देखने में मस्त, तो खाना ही अच्छा, प्रेजेंटेशन मस्त है। थक गई तू? मैं इतना थक गई, पता है यार, जब आप शॉपिंग पे आओ ना तो मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना आने के लिए, और आप अगर गर्मियों के टाइम पे आओ तब तो बस पूछो ही मत। क्राउड पे डिपेंड करता है कि क्या हाल होगा उसके बाद फिर शॉपिंग करना। हाँ, और इतने नए कलेक्शन भी तो नहीं है ना, मतलब न्यू वेराइटीज नहीं है इतनी पहले से, जैसे पहले जितनी थी। वो पागल है, मेरा फोटो ये लाइन इतनी लंबी लग रखी है। इतनी भरी लाइन यार, कोई भी पागल हो जाएगा इतनी लंबी लाइन में। वैसे ही थके पड़े हैं, ऊपर से फिर ये सारा लाइन रश। अभी वहाँ लगे थे हम उस साइड पे, तो फिर ना उधर से हटा दे, कह रहे थे पीछे जाओ। चलो भाई थोड़ी सी राहत। चलो यार इसे पकड़, तुझे दिख रहा है ना क्या हो गया मेरे हाथों में? थोड़ी बहुत बारिश भी आ रही है, बारिश की बूंदें मेरे खुद दर्द हो रहा है। बारिश आ रही है ऊपर से, प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। एक बात बता, ये जो ड्राइंग्स बनी है, ये जो ड्राइंग्स बनी है ना ऐसी, ये किस लिए बनी? टूरिस्ट को ही अपनी तरफ। उनको तू कहना चाहती कि टूरिस्ट दिल्ली हार्ट आई है ना, एक अलग ही चमकना चाहिए। देख रहे हो उसकी बातें, नॉलेज की बातें। अरे यार मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा, वीडियो भी ढूंढ लेना। दिस उधर से चले जाओ आप लोग, दिस ट्रेन ओके, फोटा सिटी सेंटर। किसी की मदद करके अच्छा ही लगता है यार। पुलिस वाले ने कहीं बता दिया होगा क्या? पुलिस वाले ने कहीं बता दिया होगा? नहीं, पुलिस वाले ने जब इन्होंने पुलिस वाले को पूछा ना, तब इनको एक्चुअली बताया नहीं था। पुलिस वाले ने बताया? नहीं बताया इनको, जब ही तो ये बेचारी परेशान हो रही थी।
चलो हमारी मेट्रो तो आ गई। A few moments later. Okay, so I am back and actually मैं back तो कल ही हो गई थी because actually क्या है ना, मैं कल आई and नहाई धोई, मैंने सोचा ठीक है अभी vlog continue करेंगे। उसके बाद मैं बस just बैठी और मुझे पता भी नहीं चला कहाँ क्या हो रहा है, इतनी गहरी नींद में सो गई और इतना सर में दर्द हो गया, मैं continue करने के हालत में भी नहीं रही, इसलिए मैंने सोचा ठीक है मैं आज सुबह continue कर दूँगी। तो हाँ बस इतना ही हुआ। और कल का दिन तो थोड़ा अच्छा गया, चिल आउट भी किया, काफ़ी शॉपिंग भी करी और बहुत अच्छा गया कल का दिन। मैं आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आए, तो अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।